सुनेगा के फेर ली क्यों नजर मुझसे रूट कर खफा दिल रुबा तू है मुझसे खफा ये बहाना है और ले लो ये बहाना है ये है हकीकत नहीं ये बहाना है ये है हकीकत नहीं ये बहाने बनाने की कोशिश न कर और मैं तेरे इश्क में कि मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं और तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर खूबसूरत है तू तो मैं भी हसी खूबसूरत है तू क्या बात है तो मैं भी हसी और मुझसे नजरें चुराने की जय बजरंग मानस समित नैनी प्रयागराज अध्यक्ष महोदय सम्मानीय हमारे बढ़िया श्री मनोज कुमार साहू जी की ओर से और परम सम्मानीय श्री जो समिति के महामंत्री जी हैं आदरणीय श्याम तिवारी जी की ओर से 100 पत्रताएं हमारे लिए और 100 पत्रताएं हमारे भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। कल्पना तुम्हें सुनिएगा सभी लोग इस कथानक को गाते हैं मांगी ना ना केवट आना आना कहे तुम्हारे मरम में ना ले आया कोई कहता है कि नैया नार बन जाई मेरिया दुईती हो जाए तो घर में मार हो जाए पता नहीं क्या क्या गाते हैं। चरण को धो लिया गंगा के पार उतार दिया उतराई देने लगे बहुत हटकीन लखन प्रभु नहीं कछु केवट ले कीन करुणा यतन भगत विमल भगवान नहीं माने तो कहा प्रभु एक वादा करके जाइए जब आप 14 वर्षों के बाद वापस अयोध्या जाएं तो हमको दर्शन दे करके जाएं और फिरती बार मोह जो देवा सोई प्रसाद में सिर धर लेवा। फिर राम चले गए 14 वर्ष पूरे हो गए अब आगे की बात मैं कह रहा हूं ये बात यहां तो खत्म हो गई। भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या पुष्पक विमान से आए अब पैदल आते तो एक बार फिर उतारने का मौका मिल जाता लेकिन भगवान इस पार उतरे विमान इस पार उतरा
भगवान का दर्शन किया, चरणों की पूजा की, भगवान फिर अयोध्या चले गए। केवट उसी दिन से उदास रहने लगा और 14 वर्षों तक उसने नाव की पूजा की। जिस दिन भगवान श्री राम को बैठाया, नहीं जानत कुछ और करारू, मतलब ये मेरी नाव इसे मेरी रोजी चलती है, सब कुछ कहा। लेकिन जब राम को उतारने के बाद में फिर कभी उस पर किसी और को नहीं बिठाया, उस नाव की पूजा करने लगा। लेकिन जब राम अयोध्या चले गए तो उसका इंतजार भी खत्म हो गया। और वो उसने किया क्या कि जो तरण तृप्त है, भगवान है उनके चरणों के नीचे जब आ गई, तरणी तारन हार तर बन गई तारन हार, वो नैया खुद तारने के योग बन गई, जिस भगवान राम सवार हुए बैठे माता सीता लक्ष्मण सहित। आज उस नाव की जो पूजा करता है उसका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो तरणी तारन हार तर बनी है तारन हार, और इस तरने पर पांव धर किसे उतारू पार। का कि जो तरण तृप्त है, कि जो तरण तृप्त है और पाके तारण तरण, ये नैया आज भगवान को पा गई, ये तरण तृप्त है, नैया तृप्त हो गई, मैं तो तृप्त हो ही गया, मेरा परिवार तर गया। लेकिन और जो तरण तृप्त है और पाके तारण तरण, तो इस तरण पे और इस तरण से धरण पर तरैया नहीं, इस तरण से धरण पर तरैया नहीं। और केवट ने कहा कि ये नवैया, कि इस नवैया पे मस्तक नवैया है पग, ये जो नवैया मेरी नाय है, इस नवैया पे मस्तक नवैया है जग, इस नवैया पे और मस्तक नवैया है जग, ऐसी वैसी ये कोई नवैया। आदरणीय हमारे दादाश्री शिवम आजाद जी के द्वारा, आप बहुत सुंदर कलाकार हैं, आपका जोड़ी नहीं है, आपकी गायकी की मिसाल हमने सुनी है, सामने तो नहीं सुना, लोगों के मुंह से सुना कि आप लाजवाब, कोई जवाब नहीं आपका, हृदय से नमन कर रहा हूँ, आशीर्वाद जय हो। 51 पद बधाएं हमारे चाचा श्री सुदामा प्रजापति जी की ओर से है, सुनेगा आदरणीय कल्पना दुबे जी। अर जिन पदों से सियाता, यह लहा क्या बैठे, यह क्या बैठे, यह बोला क्या बैठा तुझे, जूनियर सरगम संकीर्तन पार्टी कलाकार है भैया श्री विवेक अंजान जी, तारापुर प्रयागराज, ज्ञान गुरु आदरणीय दादा श्री सुनील सरगम जी,
नहीं नहीं प्रयागराज आपके सुचान पद में भैया को जैसे बात है कहना। अरे जिन पदों से शिला का सम्मान है, शिला तर गई, जिन पदों से शिला का सम्मान है और जिन पदों में सिया माँ की जान है, वो धरण और उस चरण की शरण से तरण तर गई, सब वो धरण की धरोहर ये परमादरणीय हमारे छोटे भैया सी रणजीत राज जी बहुत ही सुंदर कलाकार हैं, हमने आपको सुना है बहुत अच्छे कलाकार, बहुत सुरीले कलाकार, आपकी ओर से ये बहुमूल उपहार के रूप में कि अब हमसे आप छोटे तो आशीर्वाद तो नहीं कहूँगा, आपकी ओर से पुष्पहार है और 100 पद मुद्राओं का पुरस्कार आया है हृदय से भैया को, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से, ढेर सारा आशीर्वाद है और आपके ज्ञान गुरु हमारे दादा आदरणीय श्री सुनील सरगम जी हैं, मैं उन्हें भी नमन कर रहा हूँ और आपके लिए आशीर्वाद है कहना है कहना। और वो धरण की धरोहर जिस पे भगवान श्री राम बैठे, माता सीता जो धारा की धरोहर वो बैठी, लक्ष्मण बैठे वो धारा की धरोहर हो गई नाव, वो धारा की धरोहर और धारा धाम में उस तरणी पे कोई पग धरिया नहीं, अब पग धरने वाला नहीं, राम तो चले गए अयोध्या, अब उस नाव को केवट धक्का लगाते हुए बैठ नहीं सकता, भगवान श्री राम बैठे हैं उस पे, वो निषाद राज वो केवट बैठे नहीं, धक्का लगाते लगाते कुछ दूर नाव को ले आए और नाव को खड़ी कर दिया, उसे आधा गाड़ दिया जमीन में, सुनेगा कहना, ये विलक्षण थे क्षणपण में जान लो, केमट कहां ले आया, इसी तीर्थराज प्रयाग में उस नाव को लेके आया, नाव को सीधे गाड़ दिया, खड़ी कर दिया, आधा उसे मिट्टी से पाट दिया, हुआ क्या कि थे विलक्षण वो क्षण क्षण में जान दो और बन गई नाव का अक्षय बट मान लो, उस नौका में कपूले निकल आई, जड़ फूट गई, वो अजय बट वृक्ष बन गया, वो केवट की नाव है जो आज अजय बट की पूजा होती है, भगवान श्री राम की वो नाव है, और बन गई नौका अजय बट मान लो, वो तरणे तारिणी और क्लेश हारिणी वारुणी भारती, वारुणी भारती और करुणा की तारिणी और कोई पतवार कर में हाँ।
सुनिए चाचा श्री रामचंद्र निषाद जी की ओर से कानपुर मुद्राएं दे से नमन है और सब प्रेम भेंट कीर्तन प्रेमी श्री रघुनंदन लाल प्रजापति जी पता है 341 ये तीन ये शास्त्री नगर प्रयागराज आपकी ओर से बहुमूल्य आशीर्वाद हृदय से आपको नमन कर रहा हूं। जय हो। अब उस पाव को गाड़ दिया उसमें कपोले उसमें डालिया निकली आदरिया कल्पना जी डालिया है चतुर्दशिया वर्ष श्री घनश्याम निषाद जी को श्री कान पत्र मुद्रा भैया को धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद। उस अक्षय वट वृक्ष में 14 शाखाएं निकली 14 डालियां निकली उसमें तो अब विचार करना चाहिए भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ 14 वर्ष के बाद राम फिर केवट से मिले और उसके बाद केवट ने लाकर उसी दिन उस नाय को गाड़ दिया उसमें 14 डालियां निकली 14 शाखाएं तो डालिया है चतुर्दशिया वर्ष है रमन छाया में उसके उत्कर्ष है और पावनी सुर सरित हर प्रिया गंगा भी क्या बात है। भगवान विष्णु चरणों से निकली है सिर की जटा में है वही गंगा बह रही है और अच्छे वक्त वही है तो साल में एक बार गंगा मैया अच्छे वक्त के चरण को छूती है। अर्धरात्रि में माता गंगा और अच्छे वक्त के चरण को छूती है वो तिथि देखेगा तो कहना के पावनी सुर सरित समन भैया उमेश त्रिपाठी जी की ओर से ये 100 पत्र मुद्राएं हैं जैसे भैया को धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद और कहना है और वर्ष में एक दिन आके छूती चरण वर्ष में एक दिन और आके छूती चरण उस घड़ी सी घड़ी दुख हरैया नहीं उस घड़ी सी घड़ी दुख हरैया नहीं साचे दरबार की जय